दोस्तों कुछ अलग दिखाने वाला हूँ आपको, बहुत अलग। देखो क्या है, ये है भारत बेंज का 48-28 इंटरलिफ्ट, मतलब पहली बार भारत बेंज का 16 चक्कर देखने को मिलेगा आपको। एक एक्सल है, ये दूसरा एक्सल है, दोनों स्टेयरेबल एक्सल है। फिर पीछे देखो, ये डबल टायर लिफ्ट एक्सल है। भारत बेंज में अब तक हमने सिंगल टायर लिफ्ट एक्सल देखा था, ये डबल टायर लिफ्ट एक्सल है। इसके बाद में मेन ड्राइव एक्सल आता है, और ये लास्ट का एक्सल आता है, मतलब फिफ्थ एक्सल, इन्वर्टेड फ्लैट बोगी सस्पेंशन मिलती है। अब बात करेंगे इस पूरी गाड़ी के बारे में, मतलब भारत बैन 16 चक्का का पहली बार आपको देखने को मिलेगा, इतना डिटेल में एक लंबा चौड़ा वीडियो। तो दोस्तों अब पता ही चल गया आपको कि आज हम शूट करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको भारत बेंज का 48-28। अब 42-28 तक तो आज तक हमने बहुत सारी गाड़ियां देख ली है, अब 48-28 देखते हैं, तो 16 चक्का भारत बेंज देखते हैं। तो इस वीडियो में क्या कुछ मिलने वाला है आपको, आपको कीमत मिलेगी गाड़ी की, गाड़ी कैसी है वो दिखेगा, क्या कुछ नया आया, मतलब इसको 14-16 चक्का कैसे बनाया, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आखिरी तक देखना वीडियो को, आपको मजा आ जाएगा। और कोई ऐसे सवाल शायद आपके नहीं रहेंगे, कोई माइलेज वगैरह में सब बताने वाला हूँ, डाउन पेमेंट किश्त वगैरह, अगर फिर भी कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं आराम से आपको सारे सवालों का रिप्लाई करूंगा। और अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एक वीडियो और बना के आपको वो सारे सवालों पे ही बना दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, पहले फ्रंट से, फिर हम जाएंगे पीछे चैसी पे, फिर हम देखेंगे केबिन के अंदर क्या सारी चीज़ें आती है। दोस्तों भारत बेंज एक ऐसी गाड़ी है ना जिसमें इंडिया में कोई डाउट नहीं है कि मतलब लोगों को ये गाड़ी कभी देखने में बुरी नहीं लगी, मतलब आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला मेरे को देखने में जिसे कहा यार भारत बेंज की ये शो बेकार है। पहले वो शो आती थी अलग वाली, वो जो ऐसे ग्रिल करके आती, वो भी अच्छी लगती थी लोगों को, ये तो और भी अच्छी लगती है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो भारत बेंज के लोगों को निकाल के वो लोग और ही 3.8 स्टार लोगों लगा देते हैं, मतलब उनका लेवल अलग है। और अच्छी बात पता क्या, ये जो भी शो आती है भारत बेंज की, सिर्फ सफ़ेद रंग में आती है, तो इसको अगर कलर कराते हैं कुछ लोग तो वो फैंसी कलर और रैपिंग वगैरह बहुत आसानी से हो जाती है। तो जो एक ट्रकों का होता है ना कि 16 चक्के में गाड़ी चला रहा हूँ मुझे इसको बहुत सजानी है, तो सजा सकते हो, क्यों? क्योंकि भारत में इसकी कावल नहीं आती, भारत में केबिन तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए सफ़ेद रंग में केबिन देते हैं कि आपको कोई और रंग भी इस पर चढ़ाना है तो चढ़ा लो। हालांकि ये रंग बहुत अच्छा है, भारत का ब्रांडिंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सही फॉन्ट में इसको इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत दूर से गाड़ी समझ में आती है भारत बेंज है। यहाँ भी भारत का लोगो है, ये पूरा ब्लैक पियानो है, क्रोम ट्रीटमेंट है। ये वाली जो ग्रिल है ये फंक्शनल ग्रिल है, अंदर हवा जाती है, आप पीछे आप देखोगे तो इंटरकूलर आपको दिखेगा, रेडिएटर वगैरह दिखेगा, मतलब हवा जाती है, प्रॉपर चीज़ है। अब एक चीज़ देखो, भारत में इसकी जो कि गाड़ियाँ हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी की गाड़ियाँ होती है, तो बम्पर पहली बार 3 पीस में आता है, मतलब ये लाइट वाला पैनल है अलग है, यहाँ से ये जो पैनल है वो अलग पैनल है, ये कोई भी फाइबर वाला पार्ट नहीं है, ये पूरा मेटल का पार्ट होता है, मतलब अच्छे से क्रैश प्रोटेक्शन ये जो है गाड़ी में दे पाएगा। ये थोड़ी सी जो पट्टी है वो भी अब कोई फाइबर वगैरह की नहीं है, ये सारी जो है मेटल है, मतलब जितना आपको सामने दिख रहा है इसको छोड़ के ये पूरा का पूरा मेटल का पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं भारत बेंज के हेडलैम्प्स के ऊपर। अगर हेडलैम्प्स की बात करो तो इसके बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस है, एक तो बम्पर में है तो नीचे की तरफ प्लेस किया जाता है तो बहुत आगे तक थ्रो दे पाते हैं, और अगर इनको देखो तो यहाँ पे DRL वगैरह भी देखने को मिलते हैं, DRL वगैरह ये नए लैंप है, मतलब पहले वाले लैंप आते थे ऐसे DRL आता था, ये आपको इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलेगा, हैलोजन बेस्ड है और ये फाइबर के होते हैं, मतलब अगर इसमें जो कंपनी वाला हैलोजन लैंप आता है वो आप लगवाओगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने लैंप बढ़वा लिया तो फिर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो अंदर फाइबर आ रहा है वो फाइबर को कैसे आपको करना है, कि ऊपर एक और टॉप मॉडल आता है उसमें क्या सारी चीज़ आती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से आप अगर बम्पर पट्टी वगैरह नहीं भी लगवा रहे हो तो यहाँ भी आप पैर वैर रख के पूरा साफ कर सकते हो, यहाँ भी आपको हिंजेस वगैरह मिलते हैं शीशा वगैरह साफ करने के लिए, और ये चीज़ सिर्फ भारत बेंज देता है, अभी तक और दूसरे ट्रक वाले नहीं दे रहे हैं रिजिड सेगमेंट में स्पेशली, कि आपको सामने की तरफ सन वाइजर मिलता है। अच्छा, भारत बेंज की जो विंडशील्ड आती है ये भी यूवी प्रोटेक्टेड आती है। अब यूवी प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि ये केबिन कम गर्म होगा, इसमें पूरी सूरज की रोशनी अंदर नहीं जाएगी, और वाइपर्स पे यहाँ ऊपर देखोगे तो आप पानी का वो लगा रहता है, तो वेट वाइपर्स है ये, मतलब पानी इसमें से निकलेगा और फिर शीशा साफ हो सकता है, तो पहले आप वाइपर से कर लो, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप जो है उसको कर सकते हो, अपने हाथ वगैरह से पेपर वगैरह साफ कर सकते हो। ओवरऑल फ्रंट से ये सारी चीज़ें, विंडशील्ड बड़ी है तो देखने करने में इसमें कभी कोई समस्या नहीं आती और वो शायद आएगी भी नहीं। इसके बाद में जैसे हमने देखा था एरो कॉर्नर्स वगैरह, तो भारत बेंज के केबिन में वो सारी चीज़ें रहती हैं कि आपको अच्छा माइलेज निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। भारत बेंज BS6 में यानी कि भारत 6 स्टेज का नॉर्म्स है, अभी तो गाड़ियाँ जो है BS6 2 पे अपग्रेड होने वाली है तो और भी चीज़ें हो जाएंगी। ये हैंडल वगैरह खोलने के लिए बहुत ही बढ़िया है, शीशे वगैरह इनके बड़े आते हैं, वाइड एंगल मिरर और रियर व्यू मिरर वगैरह बहुत ही सही एक तरीके से देखो ना आप तो आपको अच्छा लगेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें पीछे स्लीपिंग बर्थ भी आती है, मतलब ये जितनी भी केबिन आते हैं आपके 14-16 चक्का वाले स्लीपिंग केबिन होते हैं। अब वो स्लीपर केबिन के बारे में बात करेंगे जब केबिन में अंदर जाएंगे थोड़ी देर में, तब
फिलहाल आप देखो यहाँ पे जो 295 R20 के व्हील्स लगे उनके बारे में मैं आपको ड्राइव एक्सल में बताऊंगा, क्योंकि लगभग सारे सेम व्हील लगे होते हैं। अब अगर एक चीज़ आप देखो तो यहाँ पे ना ये लग वाले टायर्स हैं, मतलब स्टीयरिंग काटने के हिसाब से इसमें इस तरह से दिया हुआ है ताकि बेहतर तरीके से आपकी स्टीयरिंग कटे। और अगर आप पीछे ड्राइव एक्सल पे अगर देखने की कोशिश करोगे यहाँ पे तीनों ड्राइव टायर स्टीयरिंग वाले टायर है, तो यहाँ पे ऐसा है। अगर हम देखने की कोशिश करें पीछे वाले टायरों पे तो इसमें पैटर्न चेंज हो गया, ये ऐसा वाला पैटर्न आ जाता है ताकि आपकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा रहे। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भारत बेंज काफ़ी ध्यान देता है। अगर हम अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पे पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है, तो आगे की तरफ भी पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग है। और देखो यहाँ पे एक बैलेंसर रॉड दी जाती है जिससे गाड़ी कभी भी झोल नहीं मारती और चैसी कम से कम डैमेज होती है, एकदम झटका नहीं लगता है, झटका लगने में वो सारी चीज़ें। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो इनके जो एयर ब्रेक के चैम्बर आते हैं वो भी ठीक ठीक आते हैं। ये रिवर्स इलियो टाइप भारत बेंज का 60 टन का एक्सल है, भारत बेंज को IR7 बोलता है। ये आपका बहुत ऊंचा और बड़ा इंजन है, एक्चुअली OM926 इंजन भारत बेंज वाला है। ये 280 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, 7.2 लीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब 7200 सीसी का ये इंजन है। और ये सस्पेंडेड केबिन है, मतलब यहाँ से आप देखो शॉकअप इससे पूरा केबिन जो है यहाँ से पलट जाता है, शॉकअप कम से कम लगते हैं आपको केबिन के अंदर, जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। यहाँ भी आप देखो मडगार्ड वगैरह का जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया है। बैटरी की बात करें तो 12-12 वोल्ट मिला के जो गाड़ियाँ हैं वो 24 वोल्ट पे काम करती है, दोनों बैटरियों से 12-12 वोल्ट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और अच्छी बात यह कि 150 mAh के करंट पे गाड़ी काम करती है, और AC वाले मॉडल आते हैं जो कि भारत बेंज में, तो उस हिसाब से चीज़ें होती है। ये आपका केबिन टिल्ट करने के लिए मैकेनिज्म है, और ये सब भारत बेंज में आता है कि अगर आपको ये चाबी जो है ना ये कट ऑफ स्विच अगर ये निकाल के लेके जाना है तो आप निकाल के लेके जाओ यहाँ से, या आप इसको इससे टाई कर सकते हो। ये रिफ्लेक्टिंग के लिए लगाया, ये रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, जब बॉडी वगैरह बन जाएगी तो वो बेहतर दिखेगा। अच्छा एक चीज़ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भारत बेंज में ये बैटरी कवर देते हैं और बॉडी जब बनती है ना तो ये चैसी से थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो कुछ लोग बैटरियाँ शिफ्ट कराने की बात करते हैं, तो ये चीज़ अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा है कि आप कमेंट में बताओ कि ये बैटरियाँ यहाँ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। मैं आप पे छोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ इसके बारे में। अभी मैंने गाड़ी के टायर मोड़ के रखे हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ बहुत अच्छे से कि जो दूसरा एक्सल है वो भी एग्जैक्ट सेम फ्रंट की तरह एक्सल है। यहाँ भी आपको पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, यहाँ भी आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगा इन्वर्टेड, अगर यू बोल्ट वगैरह यहाँ देखोगे तो बहुत ही हैवी काम करा हुआ है भारत बेंज। अब देखो जो नॉर्मल गाड़ी आप देखोगे ना उस पर जो एयर ब्रेक के चैम्बर आते हैं ना छोटे आते हैं, भारत बेंज में देखो आगे के सेकंड एक्सल पे भी कितने बढ़िया इन्होंने दे रखे, बड़े दे रखे एयर ब्रेक के चैम्बर, मतलब ये बढ़िया चीज़ है। अच्छा ये एंटी रोल बार दे रखा है ताकि आपकी गाड़ी जो है जब लोड लेके जाए तो झोल नहीं मारे, जैसे आप उसको साफ ततैया बनाते हो ना वो नहीं बना पाओगे आप इसके साथ में। हालांकि ये जो ब्रैकेट भारत बेंज देता है ये ब्रैकेट अभी तक मैंने किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा, और टैंकर एंकर वाले शायद कर ले बट बाकी लोग यूज़ नहीं करते। अच्छा पूरी चैसी पे आप देखोगे तो रिविटिंग और बोल्टिंग दोनों का काम किया हुआ है, बट बोल्ट्स इतने बढ़िया लगाए हैं कि उनको यूज़ करना बहुत आसान है और उनका मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये टैंक आता है भारत बेंज का, और यहाँ पे ट्रक को कनेक्ट करके इनका एक एप्लीकेशन है जहाँ से दिखाता है कितना भरा, कितना गाया, कितना एवरेज गाड़ी में दिया, कब रिफिल किया, कहाँ रुका, कहाँ कहाँ ढक्कन खुला, वो सारी चीज़ें आती हैं, ये सेंसर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ पॉलीमर का टैंक देना पसंद करती है, भारत बेंज आज भी जो है वो एक स्टील का डीजल टैंक देता है, मेटल का डीजल टैंक जो है वो देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और स्क्रीन पे एग्जैक्ट कैपेसिटी जो है लिख देता हूँ। अब दोस्तों बात करें, ये हमारा मेन एक्सल है जो एक्चुअली ऐड हुआ है, मतलब गाड़ी 14 से जब 16 चक्कर बनती है तो इस एक्सल के कारण बनती है, मतलब यही एक इंटरलिफ्ट एक्सल डाला हुआ है इन्होंने पूरी गाड़ी के बीच में, जो आपको बनाता है गाड़ी को इस तरह से हैवी की मतलब गाड़ी 16 चक्कर बन जाती है। अब देखो यहाँ पे भारत बेंज का एकदम अलग फिलॉसफी है, मतलब देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी है, इस पर भी ब्रेक लगाते हैं, मतलब मैंने नहीं देखा लिफ्ट एक्सल पे ज़्यादातर गाड़ियों में ब्रेक लगते हुए। देखो वहाँ भी एयर ब्रेक का चैम्बर है, मतलब हर एक वही व्हील पे जो है एयर ब्रेक्स लगते हैं। उसके बाद में भारत बेंज में सिंगल बैलून आता है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगल बैलून आता है, और यहाँ पे चेन आती है। जब इस पूरे एक्सल को डाउन कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सल एक लेवल के बाद डाउन जाएगा, मतलब एक्सल एक लेवल पे आके इस चेन पे जो है वो अटक जाएगा, ये चीज़ देखनी है। साथ ही साथ जो लिफ्टर बैलून दिए हुए जो मतलब इस पूरे एक्सल का वेट लेके चलेंगे वो भी यहाँ पे दिए हुए, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ओवरऑल ये जो एक्सल का काम भारत बेंज ने किया वो नेक्स्ट लेवल पे किया हुआ है, इसकी क्वालिटी वगैरह की बाद में बात करोगे। और जिन्होंने भारत बेंज अभी ली है ना, मतलब जिन्होंने मतलब 48-28 ली हुई है, उन्होंने एक गाड़ी लिया, दो गाड़ी नहीं, फिर दो गाड़ियाँ और ले लिया, ऐसी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सेल्स फिगर देख के बात कर रहा हूँ या मेरी कुछ कस्टमर से बात हुई है उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये एड ब्लू का जो टैंक है वो बहुत ही अजीब सी जगह लगा रखा है सच कहूँ तो, क्योंकि यहाँ से भी जो है मट्टी वट्टी निकल के आती है टायर से, यहाँ से भी निकल के आती है, तो जो बॉडी बिल्डर यहाँ पे देख रहे हैं वो एक बहुत अच्छे से प्लीज़ इसको कवर कर देना, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हालांकि इसकी 48-50 लीटर की कैपेसिटी होती है, आपको बहुत जल्दी जल्दी फिल नहीं कराना पड़ता, जो बहुत अच्छी चीज़ है। सारे आप देखोगे ना एयर प्रेशर टैंक उनको चैसी के अंदर ही माउंट किया हुआ है, ये गाड़ी का मेन ड्राइव एक्सल है। और अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो इतना बढ़िया भारत बेंज का सिस्टम है कि नीचे आपको जो डिफरेंशियल दिखेगा इनका अलग लेवल का दिखेगा, मतलब बहुत ही बड़ा दिखेगा, लगेगा कि यार ये डिफरेंशियल 16 चक्का डिजर्व करता है।
और ये देखो यहाँ पे जो चैम्बर वगैरह लगा रखे हैं, हर एक चैम्बर में डुअल लाइन है। क्यों? क्योंकि ABS ब्रेक्स आते हैं। ये इतना बढ़िया हैवी एक्सल है, प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह बहुत ही कमाल की लगी हुई है यहाँ पे। अब एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको कि भारत बेंज जो सस्पेंशन देता है इनकी रिजर्व गाड़ियों में 42 टन और 48 में, वो कोई और नहीं देता। देखो यहाँ पे बैलेंसर रॉड लगा हुआ है, अक्सर आपने घोड़ों में लगा देखा होगा, इनमें लगा ही नहीं देखा होगा, तो इन्होंने वही कर रखा है। देखो बोल्ट वगैरह कितने बड़े हैं। इसके बाद में अगर पीछे देखो यहाँ पे कौन करता है, टिपर्स के अलावा हमने कब देखा है कि एक मार्केट लोड वाली गाड़ी में, 48 टन वाली गाड़ी में, ऐसा जिसमें बॉडी बनने वाली है उसमें ये बैलेंसर रॉड दे रखी हो आखिरी व्हील पे, जो व्हील डमी व्हील है, चाहे लेलैंड हो जाए, चाहे टाटा हो जाए, कोई भी गाड़ी हो जाए। एक चीज आपने देखी होगी, घोड़े पे खेलते रहते हैं हम लोग, कमानियों में घोड़े आते हैं, वो जहाँ चैसी से 2 इंची 3 इंची ऊपर होते हैं, कोई सिस्टम नहीं रखा भारत में, पंगा ही नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लैट बोगी सस्पेंशन लगा दिया, जो आप टिपर्स में लगाते हो, इतना हैवी काम कर दिया, सीधे लगा दिया सस्पेंशन। अब क्या सीन होने वाला है, ना तो मेंटेनेंस करना, ना करना, ना ग्रीस करना, ना पट्टी टूट रही है, ना कमाली टूट रही है, बैलेंस कर देंगे, अंदर से बैलेंसर रॉड दे दिया, उधर से क्या लगा दिया उन्होंने, उधर से लगा दिया उन्होंने एंटी रोल बार। अब इसमें क्या पल्ला होता है ना कि इसमें आपको कुछ मेंटेनेंस नहीं है। अच्छी बात क्या है ना कि टायर जब गड्ढे में जाता है, टायर बबल करता है, अब कभी कभी गाड़ी में जब अगर मान लो लोड अनइवन लोड भी हो गया ना, तो गाड़ी टायर नहीं खाएगी। एक तरफ से ये कंफर्म है कि टायर नहीं खाएगी। तो ये पूरा जो इन्होंने इतना टाइम लगाया ना कि भाई 14 से 16 चक्के में आने में इतना टाइम लग गया, वो इसलिए लगाए क्योंकि ये सब सिस्टम डाल रहे थे वो गाड़ी के अंदर, कि लिफ्ट एक्सल को इस तरह से डालना था, सस्पेंशन इस तरह से डालना था, ये सारी चीज़ें करिए। हालांकि ये जो ब्रैकेट्स वगैरह उनकी मैं कोई तारीफ नहीं करता, वो अलग चीज़ है। स्टेपनी साइड में आई हुई है, मतलब चोरी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, बट अगर इसकी आप हिफाजत कर लो तो रात को कभी टायर बदलने में दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से बदल सकते हो, क्योंकि बीच में अगर पहिया लगा देते तो उसको बड़ी हुई गाड़ी के साथ बन लगाने में दिक्कत होती है। बाकी चीज बढ़िया है, साइड में लगाया हुआ है, वो चीज है। ये भारत बेंज का बम्पर है, कुछ बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं और उसके ऊपर अपना भी एक बम्पर लगा देते हैं। बाकी काफी ठीक ठाक हैवी आता है। अगर यहाँ बात करो तो ये आपको सी सेक्शन दिखेगा यहाँ पे चैसी का, लगभग 8 इंच मोटी चैसी है और काफी बढ़िया इसकी डेप्थ आती है। डेप्थ भी अगर देख लो, हाइट भी देख लो, चैसी की डेप्थ भी देख लो, तो काफी बढ़िया। अच्छा, ये लाइट्स वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं भारत बेंज में। सबसे बढ़िया तो यही इंप्रूवमेंट किया है BS6 और BS6S2 में। यहाँ पे आपको यहाँ ऊपर की तरफ इंडिकेटर की आती है कि इंडिकेटर जलेगा, फिर आपको यही ब्रेक लाइट मिल जाती है, बैक लाइट मिल जाती है, मतलब ये मल्टी फंक्शन LEDs है जो खूबसूरत लगती है। अच्छा बताऊँ ना, तो जब गाड़ी चल के आती है ना, शोरूम से चल के आ रही है, मतलब मान लो चेन्नई से चल के आ रही है, जम्मू कश्मीर जा रही है, चैसी भी जा रही है, क्योंकि डिले तो जम्मू कश्मीर भी है, रस्ते तक ये लाइट मिलती नहीं है, लोगों को इतनी खूबसूरत लगती है, रस्ते में चुरा लेते हैं लाइटों को। मतलब मैंने खुद देखा हुआ है बहुत बार, मतलब ये लाइटों को ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि आंखों वाली चीज़ है तो लोग देख लेते हैं। अब लोग जब इतनी लंबी गाड़ी चलाएंगे ना 48 टन वाली, तो लोगों को एक चीज़ होती है यार, तिरपाल रखना है मेरे को, तिरपाल रखने के अलावा मेरे को देखना है कि यार टूल बॉक्स बनाना है, बर्तन रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब घर ही है हमारा तो पूरा का पूरा, तो यहाँ पीछे काफ़ी ब्लैंक स्पेस है, लगभग 8 फीट का आपको लास्ट एक्सेल के बाद में स्पेस मिलता है। इस स्पेस में आप आसानी से अपने टूल बॉक्स बना सकते हो, उनकी डेप्थ भी आप देखो कि आसानी से 2.5-3 फीट की आसानी से डेप्थ आ जाएगी और काफ़ी सारे टूल बॉक्स आ जाएंगे जिससे आप काफ़ी सारे चाबी पाने, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, जो अपने आप में एक बढ़िया बात है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सस्पेंशन इन्वर्टेड फ्लैट बोगी सस्पेंशन लगा हुआ है, एंटी रोल बार्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपर शाफ्ट वगैरह बढ़िया है, लिफ्ट एक्सल वगैरह बढ़िया है। अब यहाँ पे दिखेगा इनका SCR सिस्टम। अब देखो ये चीज़ इनको पता नहीं शायद जगह कम पड़ गई या क्या सीन हुआ कि इनका जो वो लगा हुआ है AdBlue सिस्टम लगा हुआ है वो वहाँ लगा हुआ है, फिर इनका इंजन से जो एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट आता है, मतलब साइलेंसर जो आता है, वो यहाँ से निकल के आता है और ये यहाँ लगा हुआ है। मतलब थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है क्योंकि एक्सल की पोजीशन को लेके ये लोग इंश्योर थे कि हमें एक्सल की यही पोजीशन रखनी है, एक्सल हम चेंज नहीं करेंगे, एक्सल की भी जो डिस्टेंस है ताकि गाड़ी कम टायर खाए, बढ़िया माइलेज दे, और ये गाड़ी माइलेज भी ज़्यादा देती है। अगर गाड़ी के माइलेज की बात करूँ तो जिन लोगों ने ली है, जो लोग फुल लोडेड चला रहे हैं, उनको 3 के आसपास का माइलेज मिल रहा है, और जो लोग खाली लेके आ रहे हैं वन वे, अगर गाड़ी खाली आ रही है तो लगभग 5 के आसपास का माइलेज गाड़ी निकाल रही है, लोगों ने रिपोर्ट किया है जो मुझे, मैं कंपनी की कोई बात नहीं कर रहा, कंपनी ने मुझे कुछ नहीं बताया, कंपनी तो बताती नहीं कभी माइलेज वगैरह। भारत बेंज का गियर बॉक्स है ये, 9 स्पीड का गियर बॉक्स होता है और बहुत ही प्रूवन गियर बॉक्स है ये, और इसमें ना जो क्लच वगैरह भी लगा हुआ है ना, उसका डायमीटर वगैरह आप देखोगे यहाँ पे, क्लच वगैरह जो लगा हुआ है बहुत बढ़िया लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये एयर इंटेक देखो कहाँ से वहाँ से आता है, ऊपर से आता है ताकि हवा वगैरह जो धूल मिट्टी आती ना वो हवा के साथ मिक्स ना हो। दोस्तों ये भारत बेंज का OM926 इंजन है, 280 HP की पावर है और 1200 से लेकर 1600 RPM तक 1100 Nm का टॉर्क आता है। भारत में आने वाले टिप्पर्स ट्रक्स सब में सबसे ज़्यादा, मतलब 1100 Nm कहीं नहीं आता, मतलब सबसे ज़्यादा ये गाड़ी खींच के देगी, कोई घाट पे कहीं भी कैसा भी चढ़ा लो, अगर ये चढ़ सकती है मतलब कोई और गाड़ी चढ़ सकती है, मतलब ये 100% चढ़ जाएगी, जो नहीं चढ़ सकती वहाँ भी चढ़ जाएगी। अब इसमें दोस्तों इनका एक USP है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजन है,
वो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनका कि ये जो गाड़ी है ना वो इन लाइन 6 सिलेंडर पंप के साथ में आती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि मान लो आपको 2 पंप खराब हो जाते हैं तो 4 सिलेंडर पे भी गाड़ी आ जाएगी, 3 खराब हो जाते हैं 3 सिलेंडर पे भी गाड़ी आ जाएगी, पावर बिल्कुल कम हो जाएगी, पावर गाड़ी में आधी बन जाएगी या जितने पंप खराब होंगे उतने। फायदा ये होता है गाड़ी आपको लोडेड गाड़ी पलटी नहीं करनी पड़ जाएगा, तो मैकेनिक का टाइम बच जाता है, जो भी उसके मेंटेनेंस टीम होती है उनका टाइम बच जाता है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं बट भारत में बहुत ही कमाल तरीके से दे रखी जिससे कि गाड़ी बहुत बढ़िया हो जाती है। और मतलब और सच बताऊं तो 50% ड्राइवर को मजा आएगा और 50% मालिक को भी मजा आएगा, ड्राइवर को ज्यादा मजा आएगा। अगर केबिन के बारे में बात करें तो पीछे से तो भारत बेंज का हमने देखा है, 2 शीशे के साथ भी केबिन आता है और ड्राइवर विंडो वगैरह बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज आती है इसकी। एक्चुअली ड्राइविंग सीट भी बहुत चौड़ी आती है, मतलब इसमें कंफर्ट को लेके कोई चीज़ नहीं है। यहाँ 48-28 की ब्रांडिंग आती है जो अपने आप में ठीक ठीक चीज़ है और ये आपका हैंडल वगैरह मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल इसके बारे में। अब मैंने एक चीज़ बात नहीं कर पाई है आपसे, वो है टायर साइज़ के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी में टायर जो आते हैं वो 295/90 R20 के व्हील्स ही आते हैं। रेडियल ट्यूबलेस टायर्स भी ले सकते हो जो कि मैं 22.5 वाले वो जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, ट्यूब वाले टायर लेना, अपोलो के टायर लेना, बढ़िया आपकी गाड़ी चलेगी, टायरों में कोई शिकायत नहीं आएगी और लगभग 80,000 किलोमीटर तक 1,00,000 किलोमीटर तक आप आसानी से चला सकते हो गाड़ी में बहुत आराम से। तो और 1020 के टायरों के साथ भी उनको चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास 1020 का पुराना टायर पड़ा हुआ है या कोई दूसरी गाड़ी का टायर है जो आप उसमें डालना चाहते हो आराम से डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अलाइनमेंट एक बार गाड़ी का उसके बाद करा लेना। तो चलो अब हम दिखाता हूँ आपको चैसी के ऊपर से, फिर हम जाएंगे केबिन में। चैसी के अंदर ही आपको एयर प्रेशर टैंक दिखेंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। सारी वायरिंग हार्नेस जो फिटिंग करी हुई है उन्होंने वो सारी अंदर की तरफ फिटिंग है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हर जगह आपको एयर डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा ताकि जब आपकी एयर वेस्ट ना हो और जितना कंप्रेसर को बार बार फंक्शन ना करना पड़े, कंप्रेसर भी बड़ा है तो जल्दी हवा भरा लेता है, वो एक चीज़ है। इसके अलावा देखो सारी वायरिंग नीट और क्लीन है, क्रॉस मेंबर्स वगैरह में सारा रिविटिंग का काम किया हुआ है, कोई भी बोल्ट का काम नहीं है ताकि गाड़ी को हैवी और बहुत ज़्यादा हैवी किया जा सके, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। जो कि यहाँ भी आप देखोगे हर जगह आपको एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज वगैरह देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखो यहाँ भी आपको एक एयर प्रेशर टैंक दिख जाएगा, इसके नीचे एयर प्रेशर टैंक दिख जाएगा, वो बढ़िया कमाल की चीज़ है। आगे की तरफ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको प्रोपेलर शाफ्ट बहुत बढ़िया है और ये इसको इस तरह से इसका यू टाइप का इसका जॉइंट बनाया हुआ है नीचे की तरफ ताकि ये लिफ्ट एक्सल कभी भी इसमें टच ना हो। तो लिफ्ट एक्सल की बहुत अलग कहानी है दोस्तों और इसमें पूरा एयर सस्पेंशन आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ भी प्रेशर टैंक दिख जाएंगे, न्यूमेटिक प्रेशर टैंक, ताकि गाड़ी में 10 बार का जो प्रेशर बनता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाए। अब ये भी आपको पूरा एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज वगैरह दिखेंगे, यहाँ भी दिखेगा वहाँ भी दिखेगा, तो कमाल का काम जो इस गाड़ी में ओवरऑल किया हुआ है। हालांकि एक चीज़ जो समझ में नहीं आती वो ये कि डोजिंग का जो सिस्टम है, SCR वाला सिस्टम है, इसके लिए हमें गाड़ी के RPM बढ़ाने पड़ते हैं, वो यहाँ नीचे से होकर आता है, तो नीचे से होकर यहाँ आता है, जो चीज़ काफ़ी अजीब सी हो जाती है। दोस्तों आपने कब ऐसा कंपनी केबिन खरीदा था एक 16 चक्का गाड़ी में जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम कंपनी से लगा आता था, हीटर आता था, एसी नहीं आता, सिर्फ गर्म नहीं करता था, ठंडा नहीं करता था, सिर्फ गर्म भी करता था, आपका स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से एडजस्टेबल आता था, साथ में आपकी जो सीट है वो अपने आप ऊपर नीचे जा सकती, सभी सीट मेरी यहाँ पे अब मेरी सीट डाउन जा रही है, देखो अब मैं डाउनिंग में जा रहा हूँ, अभी देखो अब मैं सीट अपने आप, और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक हो रहा है, ये कब हुआ था ऐसी? आपने पूरी फुल हाइट की सीट पे आपने कब तक गद्दे वाली सीटें, आधी गद्दे वाली सीटों पे गाड़ियाँ चलाओगे? तो ये कहाँ से आया? ये भारत बेंज लेके आया। देखो मुझे पता है यार कि अशोक लेलैंड हो गया, टाटा हो गया, आइसर हो गया, हमारे घर की कंपनी है, पर सच बात तो ये कि उनको यहाँ से सीख के कुछ देना चाहिए। तो अब बात करते हैं केबिन के बारे में, बहुत सारी ज्ञानबाजी हो गई, तो अब देखो समझते हैं। ये जो भारत बेंज का केबिन है इसके अंदर ड्राइवर एस्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। अब ड्राइवर एस्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम का सिंपल सा फंडा ये है कि ये अगर सिस्टम लगा हुआ है ना तो आपकी अगर पलक झपकती है या आप मोबाइल फ़ोन पर बात करते हो या आप रोड पर थोड़ी देर नहीं देखते हो तो ये गाड़ी टू 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 कर लेगी। पूरा इसमें कैलकुलेशन रहता है ड्राइवर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक तरीके से कैमरे की तरह काम करता है। भारत बेंज फ्री में लगा के देता है, मतलब लगा के देता है, इसके बिना गाड़ियों नहीं देता भारत बेंज, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद भारत बेंज का स्टीयरिंग व्हील बहुत सही लगता है यार पकड़ने में, बहुत सही लगता है, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में ऐसी चीज़ है। तो वो चीज़ है यहाँ आपको वाइपर मिलेंगे, 3 स्पीड पे सेटिंग्स वाले वाइपर जो है वो दिख जाते हैं, इंडिकेटर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करो तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि भारत बेंज में यहाँ से कोई कंट्रोल्स आप नहीं करोगे। क्यों? आप पूछोगे लाइट के कंट्रोल्स कहाँ से करूँगा, तो भैया लाइट के कंट्रोल्स आप यहीं से करो ना, ये आपके लाइट के कंट्रोल्स होते हैं, ये लाइट जल गई, ये लाइट बंद हो गई, ये आपको बीच में ऐसे करके कंट्रोल्स होते हैं, ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स हो गए, ये आपका मिसक्ली कंट्रोल हो गया, ये आपके इंडिकेटर हो गए, तो सारे कंट्रोल्स भारत बेंज यहीं दे देता है, तो आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीछे आप पूछोगे तो ये आपका डिफरेंशियल लॉक के लिए होगा, गाड़ी फंस जाए या गाड़ी बबल करे, कहीं नहीं होता हमारा पहिया जो है घिस रहा है, टायर घिस रहा है, वो नहीं घिसेंगे आपके, यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक आता है, ऑलमोस्ट ऑल गाड़ियों में, बाकी गाड़ियों में नहीं आता है।
ये आपका लिफ्ट एक्सल को अप और डाउन करने के लिए है। इसके अलावा ये आपका इंस्ट्रूमेंट के पैनल को टॉगल करने के लिए, मतलब इस स्क्रीन में क्या कुछ है कुछ नहीं है वो उसको टॉगल करने के लिए। ये क्रूज कंट्रोल आता है, ऑलमोस्ट किसी गाड़ी में नहीं आता दोस्तों। 16 चक्के की जितनी गाड़ी आप देखोगे उनमें किसी में नहीं आता है। यहाँ से आप अपनी स्पीड बांध दो कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो 55 पे चलनी चाहिए, 55 पे आपने बांध दिया, प्लस माइनस करके स्पीड कर दो, लिमिटर लगा दो और चीज़ हो जाती है। ये रीजनरेशन के लिए आता है, जब आपका सूट जम जाता है डीपीएफ रीजनरेशन, तो रीजनरेशन की बत्ती आ जाती है वो जला देना है। बहुत एकदम लग्जरी गाड़ी देने की कोशिश करिए। अब देखो यहाँ पे कितना सरल दिया हुआ है, एक तो पावर विंडो का विंडो मैंने दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा स्विच लगता है, बहुत अच्छी जगह भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये जो है आपका वो ये जो है आपका इंजन, अगर आप डाउन जा रहे हो तो इंजन कंट्रोलर के लिए, एक इंजन से कंट्रोल करना है गाड़ी को तो होता है ये काम, हिल असिस्टेंट है ये। इसके अलावा यहाँ पे आपका सारे इंडिकेटर जलाने, गाड़ी आपकी साइड में खड़ी है तो ये आप जला सकते हो। इसके अलावा ये आपका एसी का बटन होता है, एसी को बंद चालू करना है। अब देखो इस एसी में बहुत अच्छी चीज़ आती है, ये सिर्फ ठंडा नहीं करता ये गर्म करता है। बहुत सारे एसी में ये दोनों स्विच होते हैं बट ये वाले नहीं होते, तो ये यहाँ पे आता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर आपको कारों की तरह मिल जाएगा कि आपको एयर डायरेक्शन कहाँ फ्लो कराना है, मतलब हवा को कहाँ शीशे पर कराना है फ्लो, सामने कराना है, पैरों में कराना है, कहाँ कराना है, सब मिल जाता है आपको। ये सारे फंक्शंस एसी के लिए आते हैं। इसके अलावा ये कंडक्टर की या फिर आपका खालसी की या को ड्राइवर की ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के लिए है, और ये डमी बटन होता है कोई काम करनी। और यहाँ पे आपको यूएसबी बेस्ड पावर आउटलेट मिलता है। अब आप कहोगे यार हम तो 12 वोल्ट के आउटलेट से काम करते थे आज तक, 24 वोल्ट के आउटलेट से काम करते, भैया वो भी दे रखा है। यहाँ देखो थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, तो यहाँ पे वो भी दे रखा है, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। मतलब देखो यहाँ पे 24 वोल्ट का आउटलेट भी मिल गया, यूएसबी आउटलेट भी मिल गया, मतलब फास्ट चार्ज करना, डायरेक्ट चार्ज करना यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, जैसी चीज़ें हो जाए, जैसी आपके पास व्यवस्था हो वैसा काम कर लो। थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ भी मिल जाता है, नीचे फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाता है, हैंड ब्रेक भी बहुत अच्छी जगह प्लेस किया हुआ है, मेरे घुटने वुटने भी कहीं नहीं टकरा रहे। तो कमाल कमाल की चीज़ें इस गाड़ी के अंदर दे रखी है। ये आपका जब गाड़ी रिवर्स गियर में डालते हो तो इसमें आपको इंडिकेटर दिख जाता है, पहले ही दिखने लगता है पीछे कि भाई पीछे कुछ है तो नहीं, क्या सारी चीज़ है। इसके बाद में ऊपर बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी ड्राइवर असिस्टेंट माउंटिंग सिस्टम का पार्ट है, मतलब यहाँ भी सेंसर लगे हुए हैं आपके ऊपर कि दिखाता है आपको कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, सारा कुछ दिखाएगा। मतलब अगर आप मतलब कोई हरकत कर रहे हो या आप अच्छे से नहीं चला रहे हो सब दिख जाएगा। ये म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है भारत बैंक ने, जिसमें कि आप डायरेक्ट केबल से कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव लगा सकते हो, कार्ड लगा सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल का। बहुत बढ़िया क्वालिटी का सिस्टम है, मैं तो कहता हूँ हर एक ट्रक में मैंडेटरी कर दो भैया, गाने नहीं सुनेंगे तो इतनी लंबे लंबे 16-16 घंटे 22 घंटे कैसे चलाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ देखोगे तो ये भी आपको स्पीकर के अलावा यहाँ स्पेस वगैरह मिल जाती है स्टोरेज की, वहाँ भी आपको स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है, वो एक चीज़ है। कनेक्टर की तरफ देखें हम लोग तो वहाँ ऊपर की तरफ आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, साइड में आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। भाई किसने दिया था, कारों में नहीं देते लोग बाग, तो भारत बैंक तो ट्रक में दे रहा है। अब देखो यहाँ डैशबोर्ड पे आपको कोई स्टोरेज स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा रखे हैं, इस कारण से ऐसा होता है। पर अगर हम पैरों के पास देखने की कोशिश करें तो क्योंकि सीट इतने ऊपर है और फ्लोर डाउन में है तो इतने डाउन में कवर करने के लिए यहाँ पे एक इन्होंने फुटबोर्ड दे रखा है जिसपे आप अपने पैर वगैरह रख के आराम से रेस्ट कर सकते हो, इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा हुआ है। अब एक और मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो ये है कि अगर भारत में देखोगे ना तो नॉर्मली केबिन में एक लाइट आती है सिंगल बड़ी सी, पर भारत में रीडिंग लैंप दे रखे हैं। मान लो ड्राइवर खालसी सो रहा है, आपको अकेले कुछ लिखा ही पढ़ाई करनी है, आप अकेले जागे हो तो आप अपनी लाइट जला लो, बाकी दूसरे से मतलब नहीं रखो, या उसको करनी है आप ड्राइविंग कर रहे हो आपको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, आपको केबिन में लाइट नहीं पसंद है तो वो चला ले अपनी, इनको नहीं दिक्कत हो, नहीं तो बीच में लाइट जलती है अलग सा लगता है। अगर हम बीच में देखने की कोशिश करें तो भारत में यूं ही पैसे नहीं लेता भाई, ये देख लो ये इन्होंने खुद लगा के दे रखा है, ये गद्दी हम जाते हैं मार्केट से बनवाते हैं, ये भारत बैंक का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है। ये देखो यहाँ पे और नीचे भी ऐसा नहीं है, इंजन की गर्मी अंदर ना आए इसलिए पूरा कवरिंग वगैरह करी, प्रॉपर करी हुई है, और इसको भी ये लगाया हुआ है, मतलब भाई उनको पता है 48 चक्का है। और देखो फ्लैट है, गियर बॉक्स इसके लेवल पर रह गया, इससे ऊपर नहीं उठ रहा है, मतलब आप इसको आसानी से यहाँ पे गद्दी वद्दी डाल के दो बंदे आसानी से सो सकते हैं, प्रॉपर सो सकते हो। और ये नॉइस स्पीड का गियर बॉक्स है, 4 लो गियर है, 4 हाई गियर है, एक क्राउलर गियर आता है तो वो क्राउलर गियर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, मतलब गियर बॉक्स वगैरह भी बहुत कमाल का है। और एक चीज़ और जो दिखानी थी वो ये कि देखो भैया पर्दे कौन सी कंपनी डाल के देती है, आपको किसी ने पर्दे डाल के दिए, मतलब अगर आपको सामने आने वाली लाइटों का फोकस नहीं चाहिए, आराम से सोना है, दो ड्राइवर है लगातार चला रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे स्लाइडिंग के साथ में पर्दे लगा के दे रहे हैं ये लोग, भैया और क्या दे सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ें आप बाहर से कराते हो ना वो सारी भारत बैंक ने घर से दे रखी है, आपको कुछ बाहर से कराने की जरूरत नहीं है। शीशे वगैरह भी देखो आप सारे के सारे दे रखे हैं, जितनी चीज़ें होती है ना आपकी वो दे रखी है। स्टीयरिंग व्हील की भी अगर मैं बात करूँ, इसमें जितनी चीज़ दिखाऊंगा उतनी कम पड़ जाएंगी। देखो स्टीयरिंग व्हील भी अंदर बाहर जाता है, आपको अगर ऐसे पुराना वजह से चलाना पसंद है, अगर आप मेरी तरह स्ट्रेट अपराइट चलाते हो ऊपर आपको स्टीयरिंग पसंद है तो वो भी हो जाता है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट पैनल का मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट पैनल के वीडियो का लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, बहुत डिटेल में मैंने 15-16 मिनट में समझाया कि इसके क्या फंक्शंस आते हैं, कौन सी लाइटें होती है, कैसे काम करता है, वो आप वहाँ जाके देख लो तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको पीछे की बर्थ और दिखा देता हूँ एक बार, स्लीपिंग बर्थ, उसके बाद में हम करेंगे वीडियो को कंक्लूड। दोस्तों ये स्लीपिंग बर्थ है, लगभग 18 इंची के आसपास की इसकी चौड़ाई है, इसका फैब्रिक वगैरह बढ़िया आता है, आप चाहे तो अपने हिसाब से गद्दी वगैरह
बनवा सकते हैं जो कि आपको ठीक लगेगी। बाकी इसमें कोई विंडोज वगैरह नहीं आती है कहीं से भी, हालांकि एसी केबिन रहता है तो आप एसी से गाड़ी को ठंडा कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो है वो दिखाने वाली ये है कि अब यहाँ देखो तीन कंपार्टमेंट आते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ कीमती सामान है वो आप यहाँ डाल सकते हो, यहाँ चीज़ें हो जाती हैं, बीच में थोड़ा सामान है, यहाँ भी चीज़ें, तो ओवरऑल इतनी सारी जगह में आप बहुत सारा सामान डाल सकते हो, काफ़ी जो है वो मज़ा आपको आने वाला है। कमाल की चीज़ भारत बंद ने करी हुई है यहाँ पे ये, और अच्छे से प्रोटेक्टेड भी रहता है, तो ये बंक स्टोरेज मिलती है वो चीज़ है, और काफ़ी बढ़िया केबिन है। हाइड रूम देख लो, सीट पूरी हाइट की देख लो, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। तो चलो भैया मैं बताता हूँ इस गाड़ी का कीमत, माइलेज वगैरह, इंश्योरेंस, डाउन पेमेंट क्या आएगा वो सब और बताता हूँ, फिर फाइनली आप डिसाइड करना कि गाड़ी आपको कैसी लगी, और कमेंट करके जरूर जाना, इतनी मेहनत लगी है, पसीना पसीना हो रहा हूँ वीडियो बनाते हुए, तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर जाइएगा, आप लाइक करके जरूर जाइएगा कि भाई आपको गाड़ी कैसी लगी, भारत बैंस को क्या करना चाहिए और कितनी सस्ती महंगी देनी चाहिए। दोस्तों भारत बैंस 48-28 की अगर कीमत की बात करें तो लगभग 52 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस होती है। इसके बाद आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे और RTO GST अलग से देना पड़ेगा, तो आपको एक बार जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर इंक्वायरी कर लेनी चाहिए ताकि आपको बेहतर आइडिया लग जाए। पर अगर आप डाउन पेमेंट की बात करो तो लगभग 10-12 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट में आप गाड़ी को घर लेके जा सकते हो। अगर गाड़ी के माइलेज की बात करें तो जो लोगों ने मुझे बताया तो 3 के आसपास 3.5 के आसपास माइलेज लोगों को लोडेड गाड़ी में मिल रहा है, जो कि कमाल की बात है। तो दोस्तों ये सब था मेरी तरफ से भारत बेंज के इस 48-28 वाली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो और बनाऊं लोड के साथ में टेस्ट वगैरह करूं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सुरक्षित चलो, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लो। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।